हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल से UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर 2, जिनका कॉमर्स है, उसके लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं। मैं एंटायर सिलेबस कवर करूंगा जो पेपर 2 कॉमर्स का है, यानी जिन बच्चों ने जब UGC नेट का पेपर देना है दिसंबर 2023 में, उनका जो सेकेंड पेपर है वो कॉमर्स सब्जेक्ट का है, उसके या एंटायर सिलेबस हम कवर कब करेंगे। ऑलरेडी हम एक क्लास कंडक्ट, एक सेशन मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, आज हमारा सेकेंड सेशन है। आपको मैंने कल भी बताया था जो कंप्लीट सिलेबस कॉमर्स का है, यूनिट 1 से लेकर 10 तक मैं इन सेशन वीडियोस में कवर अप करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, कोई चार्जेस नहीं है। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होंगी, PDF नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर जो मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ उसकी PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, उस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs मिलेंगी। नेक्स्ट, हमारा जो क्लासेस डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में मैं कंडक्ट करूंगा या जो मैं सेशंस डिलीवर करूंगा, वो होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। वो तो ऑलरेडी आपको पता है, जिसका नाम है UGC नेट कॉमर्स। सो डू ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि बिल्कुल जेन्यून ऑथेंटिक कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेली क्लासेस लगेंगी, क्योंकि आप फ्लो ना आपका कहीं पर भी टूटे। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक और शेयर भी कर दो। सिलेबस हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था। सो सिलेबस में हमने सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट की थी, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें से हमने ये कल सारी चीज़ें कवर अप कर ली। हमने कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स भी बिजनेस एनवायरनमेंट के कर लिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी कर ली, इकोनॉमिक सिस्टम्स कर लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल क्या है गवर्नमेंट का बिजनेस में, लीगल एनवायरनमेंट, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, जो आपके सोशो कल्चर फैक्टर्स हैं और उनकी क्या इन्फ्लुएंस है बिजनेस पे, वो भी हमने कवर अप कर ली। CSR का टॉपिक भी हमने कवर अप कर लिया। अब आज हम वो टॉपिक्स करने जा रहे हैं जो आते इसके अंदर ही हैं, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट पेपर में वो टॉपिक्स बहुत बार आए हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। जैसे ही आज की क्लास वाइंड अप होगी, साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड अप कर दूंगा। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जो आज का हमारा सेशन है, उसमें सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ तक ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। देखो, आपको पता है इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी की जाती है। हमारे पास जो हमारी इंडिया है, इसमें जो हमारे इंडिया को छोड़ो, हर एक कंट्री के पास जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, और उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके जो यूसेज हैं ना, देयर आर मैनी अल्टरनेटिव यूसेज, यानी ह्यूमन की नीड्स और वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, अल्टरनेटिव यूसेज हैं रिसोर्सेज के, और रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो इसलिए हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। और इकोनॉमिक्स में देखो, 2 तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं, मेन माइक्रो और मैक्रो। जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इंडिविजुअल लेवल पे, यानी हाउस होल्ड यूनिट्स के लेवल पे, फर्म्स के लेवल पे स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कह देते हैं। जब हम पूरी इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल पे इकट्ठा स्टडी करते हैं, या लाइक इंडिया को बिल्कुल इकट्ठा स्टडी करते हैं, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट आपका सब्जेक्ट मैटर है, यानी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहे हो, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो पूरे इकोनॉमी के लेवल पर होती है, ना कि इंडिविजुअल या हाउस होल्ड लेवल पर। नेक्स्ट आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल यूनिट्स का, यानी इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडस्ट्रीज, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं इकॉनमी में, क्या उनकी डिसीजन मेकिंग है। जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। देखो, जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये फोकस करती है ऑन द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड फर्म मेक चॉइसिस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस एंड क्वान्टिटीज इन स्पेसिफिक मार्केट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, हमने उनको किस तरीके से एलोकेट करना है, कैसे हमने प्राइजेस और क्वान्टिटीज को डिटरमाइन करना है, यानी कितने प्राइस पर कितनी क्वान्टिटी बनानी है,
कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में क्या प्राइस रखना है या क्या क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है या सोर्सेज को एलोकेट करना है, जब इन चीज़ों के फैसले इंडिविजुअल्स या फर्म्स लेती हैं, यानी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस ही है कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स कैसे चॉइसेस करेंगे बिटवीन देयर एलोकेशन ऑफ डिफरेंट स्कार्स रिसोर्सेज एंड वो किस तरीके से प्राइजेस और क्वांटिटीज को डिटरमाइन करेंगे। ओके, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें जो मेन टॉपिक में पेपर में आता है वो आता है ओकन्स लॉ। देखो ये ना एक एम्पेरिकल जनरलाइजेशन है जो रिलेट कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट के चेंजेस को जीडीपी की ग्रोथ के साथ। यानी आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जिस तरीके से चेंज होगी उस चेंज का रिलेशन क्या है जीडीपी की ग्रोथ के साथ, उसके एम्पेरिकल जनरलाइजेशन है ओकन्स लॉ। ये क्या कहते हैं, इस लॉ का ये कहना है कि अगर आपका 1% इंक्रीज हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अबव नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट का होगा ही होगा, कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है वर्ल्ड में जिसमें जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सो अगर तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 1% से इंक्रीज करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो 2% से डिक्रीज कर जाएगी। ये ओकन्स लॉ का कहना था, आप इसको बड़े ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो हम ये टॉपिक्स कर रहे हैं ना ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हर साल पेपर में रिपीट हुए ही हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉटर्स का डायमंड मॉडल। क्या है ये, देखो ये बेसिकली एक माइकल पॉटर ने दिया था। जो पॉटर्स का डायमंड मॉडल है वो कहता है देयर आर फैक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हर एक इकोनॉमी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में वे हिस्सा डालते हैं। इनमें से सबसे पहला आता है हमारे पास फैक्टर कंडीशंस। यहाँ पे फैक्टर कंडीशंस मेंशन है बट आप नोट डाउन कर लो, एक होता है फैक्टर माइकल पॉटर ने यानी पॉटर के डायमंड मॉडल में चार मेन फैक्टर्स बताए थे, उसमें से सबसे पहला था फैक्टर कंडीशन, उसके बाद था रिलेटिंग और सपोर्टिंग इंडस्ट्री, तीसरा था फर्म की खुद की स्ट्रेटजी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी राइवलरी क्या है, और लास्ट में आता है डिमांड कंडीशन। ये चार मेन फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हम करेंगे कि थ्री जेनरिक स्ट्रेटजीज जिसको माइकल पॉटर ने आइडेंटिफाई किया था अपने मॉडल में। देखो सबसे पहले जो उसकी जेनरिक स्ट्रेटजी थी वो थी कॉस्ट लीडरशिप की। अब जो ये स्ट्रेटजी थी ये फोकस करती थी अचीव करने में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को तो अचीव करना है बट इस स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंग किससे कैसे अचीव करना है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर करना है कंज्यूमर को एट लोएस्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट तो आप लोएस्ट पे उनको ऑफर कर दोगे बट आपने उसकी जो क्वालिटी है उसको भी एक्सेप्टेबल रखना है, यानी किसी भी हद टाइप में क्वालिटी डिटोरेट नहीं होनी चाहिए। जो ये ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट ऑफर, यानी सिंपली स्ट्रेटजी का ये कहना था आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूमर को ऑफर करो, वो करो लोअर कॉस्ट पे। अब लोअर कॉस्ट ठीक है आप करने जा रहे हो बट आपको क्वालिटी एक्सेप्टेबल रखनी पड़ेगी। सो जो मेन इसका ऑब्जेक्ट, अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे अचीव हो पा सकती थी, ये होनी थी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, कॉस्ट एफिशिएंसी से या आपके प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस से। ओके, अच्छे से आपको समझ आ गया। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है डिफरेंशिएशन की। अब जो ये स्ट्रेटजी थी इसका मेन एम था कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिफरेंशिएट करना कॉम्पिटिटर से ऐसे तरीकों में जो कस्टमर जिनको वैल्यू दे, यानी आप ऐसी वेज को फॉलो करो जिससे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर दो अपने कॉम्पिटिटर से और कस्टमर उसको ड्यू वैल्यू देगा। ओके, जो डिफरेंशिएशन थी इसको अचीव किया जा सकता था बाय डिफरेंट वेज। वो क्या थी, आप अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स लाओ, यानी यूनिक प्रोडक्ट फीचर होने चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करो, जो आपके कस्टमर सर्विस है वो एक्सेप्शनल होने चाहिए, इतनी ज़्यादा बढ़िया दो कि खुद कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू दे, आप अपनी ब्रांडिंग अच्छी करो, इनोवेटिव फीचर्स लेके आओ। लास्ट जो मेन स्ट्रेटजी थी वो थी फोकस की। अब जो फोकस स्ट्रेटजी है ये क्या थी, इसमें क्या चीज़ थी, टारगेटिंग अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट और निच वेयर कै फर्म कैन सर्व द स्पेशलाइज नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स मोर इफेक्टिवली देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। सिंपल जो फोकस स्ट्रेटजी थी इसका कहना ये था कि जो बिजनेसेस हैं या जो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने ऑफर करने हैं, आप ऐसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को या निच को
फोकस करो जहां पर आप अपने कस्टमर की स्पेशलाइज नीड्स को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हो एज कंपैरेटिव टू योर कॉम्पिटिटर्स। अब इसमें दो तरीके का मेन फोकस था, एक तो था कॉस्ट फोकस, दूसरा था डिफरेंशिएशन फोकस। अब तो जो कॉस्ट फोकस था वो था लो कॉस्ट एडवांटेज इन द निच मार्केट, यानी आप ऑफर करो लो कॉस्ट एडवांटेज अपनी मेन स्पेसिफिक टारगेट मार्केट या निच मार्केट में। अब जो डिफरेंशिएशन था वो ये कहता था आप ऑफर करो यूनिक और स्पेशलाइज प्रोडक्ट और सर्विस अपनी मेन जो आपने स्पेसिफिक टारगेट मार्केट या निच मार्केट है। यानी सिंपल कहना क्या चाहते हैं, देखो तीन स्ट्रैटेजीज थी, पहली कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी डिफरेंसेशन। फोकस में दोनों अबव इकट्ठी होके आती है, यानी वो कह रहे हैं जो आप अपने स्पेसिफिक टारगेट मार्केट पे जा रहे हो, चाहे आप वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव्स ना लेके आओ, चाहे आप अपना डिफरेंसेशन लेके आओ, यानी आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या किस फोकस पे अपने स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को टारगेट करना है। ओके, देखो जो माइकल पॉटर था ना 1900 में, इसको क्यों जाना जाता था, ये इसलिए जाना जाता था, अपनी इसने एक थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दी थी जिसका मेन फोकस था कि कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज और एडवांटेज जो इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री। यानी सिंपल क्या कहना चाहते हैं, जो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थी ये फोकस करती थी जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज और एडवांटेजेस इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज के पास हैं एज कंपेरेटिव टू अदर। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसका फर्स्ट पॉटर्स डायमंड मॉडल का फर्स्ट कंपोनेंट था या एलिमेंट था वो है फैक्टर कंडीशन। उसमें से पेपर बहुत बार आया, उसको हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो बोल्ड वाली लाइन है आप उसको समझो पहले। देखो जो फैक्टर कंडीशन है वो एक की डिटर्मिनेंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या माइकल पॉटर की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम उसको स्टडी करते हैं डिटेल में। देखो जो फैक्टर कंडीशंस होती हैं, दीज रेफर टू अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इनपुट दैट आर नेसेसरी फॉर बिजनेसेस टू कम्पीट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यानी देखो अगर बिजनेस को एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कम्पीट करना है, उसे रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए। अब उन रिसोर्सेज की कैसी अवेलेबिलिटी है, क्या उनकी क्वालिटी है, इसको हम फैक्टर कंडीशंस कहते हैं। ओके, अब स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर कंडीशंस दैट कंट्रीब्यूट टू नेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दो मैंने आपको फैक्टर कंडीशन बताई, एक तो स्किल्ड लेबर और दूसरे साइंटिफिक नॉलेज। ये दो ऐसी फैक्टर कंडीशंस हैं जो कंट्री यानी नेशन के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्किल्ड लेबर क्या होता है। देखो स्किल्ड लेबर का मतलब है जब हमारे पास हाईली एजुकेटेड और ट्रेंड वर्कफोर्स प्रेजेंट हो, यानी वो हमारा स्किल्ड लेबर है। उनके पास स्पेशलाइज स्किल्स होनी चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हैं। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स है, वो कंपनीज को अलाउ करेगा कंप्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इनोवेट करने के लिए और हाई लेवल्स प्रोडक्टिविटी के अचीव करने के लिए। सिंपल कहना क्या चाहते हैं, देखो स्किल्ड लेबर क्या होती है, स्किल्ड लेबर का मतलब है जो आपके पास लेबर है, एक तो उनके पास स्पेशलाइज स्किल्ड है, उनके पास एजुकेशन है, वो ट्रेंड है, उनको अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर आपके पास ये तीन फैक्टर्स प्रेजेंट है, यानी आपके पास जो लेबर है वो स्किल्ड है। अब ये जो नॉर्मल लेबर कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाती, स्किल्ड लेबर उनको इजिली परफॉर्म कर पाएगी और आपको हेल्प करेगी इनोवेट करने में, उनका अपने को प्रोडक्टिविटी के हाई लेवल्स को अचीव करने पे। नेक्स्ट जो मेन एलिमेंट था इसका फैक्टर कंडीशन वो है साइंटिफिक नॉलेज। देखो साइंटिफिक नॉलेज का क्या मतलब है, अगर आपके पास एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हैं एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है कंट्री में, यानी आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है। सिंपल कहना क्या चाहते हैं, आप R&D अच्छा कर सकते हो, जितना रिसर्च और डेवलपमेंट करोगे आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपकी फैक्टर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, इसे हम साइंटिफिक नॉलेज के नाम से जानते हैं। अब इसमें हमारे पास हमारे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए इंडिया में जितने हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज होगी एंड हमारे पास कितना एक्सेस है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। देखो जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज है ये कंपनीज को इनेबल करते हैं इनोवेट करने में, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, प्रोसेसेस को डेवलप करने में, हमें हेल्प करते हैं कि हम ऑलवेज फोरफ्रंट में रहें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, और हमें एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल मार्केट प्लेस में। मान लो जितनी इंडिया के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही इंडिया अपने
एज कंपैरेटिव अदर नेशंस के फोर फ्रंट पे रहेगा। देखो अगर तो आप पोजेस करते हो स्किल्ड लेबर और साइंटिफिक नॉलेज को, तो आपकी जो नेशन है वो एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है जो इनोवेशन के, प्रोडक्टिविटी के और कॉम्पिटिटिवनेस के कंड्यूसिव होगी। यानी आप अच्छे तरीके से इनोवेट कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज होगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। अब जो ये फैक्टर कंडीशंस हैं ये इनेबल करती हैं कंपनीज को जो आपकी नेशन के अंदर है जो वो डेवलप कर पाए, लिवरेज कर पाए अपनी कैपेबिलिटीज पे, जिससे क्या हो कि हायर लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी अचीव हो पाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो पाए, जो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए। इवन जो आपके स्किल्ड लेबर और साइंटिफिक नॉलेज है ये कंट्रीब्यूट करती है स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस को, जो आपका नॉलेज बेस है उसको डेवलप करने में, इवन आपकी एबिलिटी टू इन्हेंस करते हैं ताकि आप जो आपकी मार्केट कंडीशन है जो चेंज हो रही है आप उनको ईजिली अडेप्ट कर पाओ। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो एक स्टेटमेंट आई थी पेपर में, सीधा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उस स्टेटमेंट को पहले स्टडी करते हैं क्या कहना था। वो कहते थे सुन तुजु स्टेटमेंट, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या मतलब है? इस सिंपल ये स्टेटमेंट ये कहती है, वो कहते हैं अगर तो आपको अपना दुश्मन यानी आपका अपना एनिमी को आपको पूरी डिटेल पता है, यानी आपको पूरा डिटेल में पता है कि क्या है आपका एनिमी और आप अपने आप को भी जानते हो अच्छे से, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप 100 वॉर्स या बैटल्स आपस में लड़ लो। अब जो मेन ये था इसका, इस स्टेटमेंट का जो एम्फेसाइजिस था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ योरसेल्फ एंड योर एनिमी इन ऑर्डर टू सक्सीड इन बैटल्स और कॉम्पिटिशन। सिंपल ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहिए, देखो अगर आपको अपना दुश्मन के बारे में सारा कुछ पता है, आपको अपने आप के बारे में पता है, यानी आप दोनों चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने दुश्मन को अपने एनिमी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप कोई भी बैटल या कॉम्पिटिशन में सक्सीड कर पाओगे। अब जो ये स्टेटमेंट है ना ये अलाइन करती है पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल के साथ, जो कि 5वां है थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर। देखो मैंने आपको इसीलिए ये पहले नहीं बताया, यानी इन शॉर्ट जो पॉटर का डायमंड मॉडल है उसमें 4 नहीं 5 कंपोनेंट्स है। फैक्टर कंडीशंस हो गया, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो गया, फर्म की स्ट्रेटेजी राइवलरी होगी, रिलेटिंग और सपोर्टिंग इंडस्ट्री होगी और डिमांड की कंडीशंस हो गया। सो अब 5वां जो ये है थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर, जो ये स्टेटमेंट है ये थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के साथ अलाइन करती है। इसका मेन फोकस क्या था, आप एनालाइज करो आप में, आप जो कंपटीशन फेस कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी क्या है इंडस्ट्री में, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्टडी करो एंड आपका जो कॉम्पिटिटर है जो आपका स्ट्रेटेजीज और कैपेबिलिटीज उसकी हैं उसको अंडरस्टैंड करो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी स्टडी करो, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो, उनकी स्ट्रेटेजीज को भी स्टडी करो। इससे क्या होगा, आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे रखोगे जो अफेक्टिव होगी, जो विदस्टैंड कर जाएगी कॉम्पिटिशन प्रेशर्स को। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्या कह रहा था, देखो वो कहता है माइकल पॉटर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ना कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से समझना इनको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो कहते हैं एक सेगमेंट तब अनअट्रैक्टिव होती है जब उसमें ऑलरेडी न्यूमरस अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स हो। क्या है ये दिस, अब ये क्यों होती है, देखो अगर आपकी कोई सेगमेंट ऐसी है वो क्यों अनअट्रैक्टिव होगी अगर उसमें पहले ही नंबर ऑफ अग्रेसिव कॉम्पिटिटर है। इससे ये क्यों होते हैं, ये होती है इंटेंस कॉम्पिटिशन के कारण, क्योंकि इंटेंस कॉम्पिटिशन के कारण प्राइस वॉर्स होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत हायर हो जाती है। इवन एक सेगमेंट अनअट्रैक्टिव तब भी होगी अब अगर तो वो स्टेबल है या डिक्लाइन हो रही है। स्टेबल और जो डिक्लाइनिंग सेगमेंट्स है ये इंडिकेट करती है जो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो बड़ी लिमिटेड है और जो आपकी मार्केट सेचुरेशन है वो भी लिमिटेड है, मेकिंग इट लेस अट्रैक्टिव फॉर बिजनेस। यानी मैंने आपको पहली चीज ये बताई, देखो एक सेगमेंट तब अनअट्रैक्टिव होगी जब उसमें ऑलरेडी न्यूमरस अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स होंगे। दूसरा रीजन क्या है, तब सेगमेंट अनअट्रैक्टिव होगी जब वो स्टेबल होगी या डिक्लाइनिंग होगी। तीसरा, एक सेगमेंट तब अट्रैक्टिव भी हो सकती है जब कंपनी के सप्लायर है वो उनके पास एबिलिटी है प्राइस को रेज करने की। अगर सप्लायर्स के पास सिग्निफिकेंट पावर है वो प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं इनपुट्स की, तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी बिजनेस की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को जो उसके वो पर्टिकुलर सेगमेंट में है। सो ये एक सेगमेंट, ये एक चीज़ सेगमेंट को अनअट्रैक्टिव बनाती है।
फोर्थ रीजन क्या है, सेगमेंट तब भी अनअट्रैक्टिव हो गए व्हेन देयर आर एक्चुअल और पोटेंट सब्सटीट्यूट फॉर प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट यानी एक्चुअल या पोटेंट सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, वो भी उस सेगमेंट को अनअट्रैक्टिव बनाएंगे। क्यों? देखो, अगर तो आपके सब्सटीट्यूट प्रेजेंस है, वो कस्टमर्स को अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जो लिमिट कर देगी आपके प्राइसिंग पावर को, आपका मार्केट शेयर बिजनेस का जो ऑपरेटिंग है उसको भी लिमिट कर देगा। होप सो आपको ये चार कारण क्यों एक सेगमेंट अनअट्रैक्टिव होते हैं उनके समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है पॉटर लॉलर के मॉडल में, आगे एक इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। देखो, एक स्टेटमेंट था, फर्स्ट लाइन में आप स्टेटमेंट देखो, वो कहते हैं मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। क्या है ये एक प्रोपोजिशन है पॉटर लॉलर मॉडल की। वो कहना क्या चाहते हैं, देखो आपका मोटिवेशन फोर्स और जो आपका एफर्ट्स है यानी उसका जो लेवल हो, वो इक्वल नहीं होते सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस के। जो पॉटर लॉलर मॉडल है मोटिवेशन का, ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। जो ये मैं आपको मॉडल करवा रहा हूँ, इसने तीन मेन नीचे बेस रखा। जो ये मॉडल है, ये आपकी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगा, आपके एफर्ट में कैसे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके सेटिस्फेक्शन कैसी है। अब जो ये है, इसका क्या कहना है कि जो मोटिवेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय परसीव्ड रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। यानी सिंपल वो क्या कहता है, देखो आप अपने मोटिवेशन फोर्स या लेवल ऑफ एफर्ट को इक्वल नहीं कर सकते सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के, क्योंकि जो आपकी मोटिवेशन है वो तो इन्फ्लुएंस होगी जो आपकी एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड की आपस में परसीव्ड रिलेशनशिप है। ठीक है, जो आपका ये मॉडल है ये जस्ट एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, ना कि एक बेस बनाता है। ओके, नेक्स्ट आता है Identifying core competencies is essential for businesses to gain a competitive advantage and create value for customer. अब वो क्या कह रहे हैं, देखो अगर आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना है और आपने अपने कस्टमर के लिए वैल्यू को क्रिएट करना है, तो आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिजनेस की, जो यानी अपनी मतलब बिजनेस के, यानी बिजनेस के पास क्या कोर कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं। देखो जो फर्म करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैनेजर्स को असिस्ट करते हैं आइडेंटिफाई करने में उनकी बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसीज, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। देखो जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज है ना, वो शुड हैव द पोटेंशियल टू बी अप्लाइड अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स। यानी जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें पोटेंशियल होना चाहिए कि वो खुद को अप्लाई कर पाए डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट मार्केट, जिससे क्या हो कि फर्म अलाउ कर पाए लिवरेज करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट। जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करें टू वर्ड्स द क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूएबल कस्टमर बेनिफिट्स। यानी कि ये देखो फीचर्स हैं मेन जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। देखो अगर तो आपकी कोर यानी आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज ऐसी होनी चाहिए वो एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए यूनिक और वैल्यूएबल कस्टमर बेनिफिट्स को क्रिएट करने में और डिलीवर करने में। इनको आपको अलाइन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ, और ये आपको हेल्प करेंगे डिफरेंशिएट करने में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को। थर्ड जो मेन आती है वो ये है कि डिस्टिंक्टिव एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, यानी वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे जिसको इजिली कोई भी रेप्लीकेट ना कर पाए। यानी आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑल्दो परफेक्टली आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके दे, बट साथ के साथ उसे कोई कॉपी पेस्ट यानी रेप्लीकेट ना कर पाए। उसमें कुछ ना कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, यूनिक नॉलेज होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जिनको कोई इमीडिएट या सब्स्टिट्यूट कर ही ना पाए। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं, देखो एक थ्योरी जो सजेस्ट करती है पैटर्न्स इंटरनेशनल ट्रेड के आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर एंडोमेंट रैदर देन प्रोडक्टिव प्रोवाइडेड बाय माइकल पॉटर। यानी अगर वो आपको पूछ ले, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप ऐसी थ्योरी बताओ जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न्स को डिटरमाइन करती है फैक्टर एंडोमेंट के थ्रू, यानी आप सिंपली उसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि डैट वॉज माइकल पॉटर्स थ्योरी, यानी फाइव फोर्सेस मॉडल। ओके, यानी डायमंड मॉडल, समझ आ गया आपको। अब हम कुछ करने जा रहे हैं
ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो डिफाइन करते हैं बिजनेस को। देखो इसेंशियल इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग अ बिजनेस आर, तीन मेन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस को डिफाइन करते हैं, उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। उनमें से तीन ही है, हाँ तीन ही है मेन। सबसे पहला आते हैं प्रोडक्ट्स। देखो जो बिजनेस है ना उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चाहिए जो ऑफर करेगा वो कस्टमर्स को। अब ये प्रोडक्ट्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, यानी प्रोडक्ट्स टेंजिबल होंगे और जो सर्विसेज हैं वो इनटेंजिबल होगी। सेकेंड जो मेन एलिमेंट है बिजनेस को डिफाइन करने का वो है मार्केट्स। अब जो बिजनेसेस है ना उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने टारगेट मार्केट्स को या अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को जो उनको उन्होंने सर्व करना है। यानी बिजनेस को पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सी मार्केट में टारगेट करना है, कैसे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को सर्व करना है। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मार्केट की, वो बिजनेस को हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट्स को टेलर करने के लिए। टेलर मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को मोल्ड कर सकते हैं ताजो उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सक्सेसफुल रहे, और इवन वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो डेवलप करेंगे जिससे उनके जो कस्टमर नीड है वो एग्जैक्टली फुलफिल हो सके, मीट हो सके। लास्ट जो एलिमेंट आता है वो आता है फंक्शंस। देखो बिजनेस को ऐसे फंक्शंस और एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है जो उसे ऑपरेट करने में यानी सक्सेसफुली ऑपरेट करने में हेल्प करेंगे। अब जो ये फंक्शंस हैं इनमें क्या आता है, ऑपरेशंस हो गए बिजनेस के, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो हर फंक्शन है एक वाइटल रोल प्ले करता है बिजनेस की फंक्शनिंग में, यानी बिजनेस के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो इकट्ठे होकर बिजनेस को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं आपको साथ के साथ जैसे ही आज का सेशन वाइंड अप होगा मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। मेरे पीडीएफ प्रोवाइड करने का रीज़न है आप मेरी वीडियो को मेरी क्लास को अटेंड करने के बाद एक बार ज़रूर पीडीएफ से गो थ्रू हो, जो आपका 100% माइंड में श्योर हो जाए कि मेन चीज क्या पेपर में पूछ रहे हैं, क्या हमने स्टडी कर रहे हैं, क्यों ये स्टडी कर रहे हैं, क्या कारण है। ओके नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है मार्केटिंग की स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट का। देखो ये एक न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑल्दो हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस बड़ा डिटेल में करेंगे बट पहले हमने इस चीज को समझना जरूरी है। देखो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट है ना ये कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के स्टेप के बाद आता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी फर्म है वो इंगेज होगी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट में, यानी कि ये वो स्टेज है जिसमें डेवलप की जाती है डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। यानी आपने न्यू प्रोडक्ट बना लिया, उसकी डेवलपमेंट और उसकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इस स्टेज में उस पर फोकस किया जाता है। जो ये स्टेज है दिस इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग अ डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। इस स्टेज में बेसिकली क्या किया जाता है, एक कॉम्प्रीहेंसिव मार्केट यानी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हर जो स्ट्रेटेजी हर चीज़ को इंक्लूड करेगी उसको डेवलप किया जाता है डिटेल में, और एक डिटेल में मार्केटिंग प्लान को भी डेवलप किया जाता है न्यू प्रोडक्ट के लिए। अब जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट स्टेज है इसमें आपकी जो फॉर्म है वो डिटरमाइन करेगी आपकी टारगेट मार्केट, आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या होगी, प्राइसिंग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से फॉलो करोगे, आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज क्या होंगी जो आपने न्यू प्रोडक्ट के लिए फॉलो करनी है। ओके अब इसमें इस सब को करने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। हम अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को भी स्टडी करते हैं, कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, क्या उनकी स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्या उनकी प्रोपोर्शनल स्ट्रेटजी, क्या वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, किस प्राइस पे, हम इस चीज़ को भी डिटेल में स्टडी करते हैं। इवन हम अपनी यूनिक सेलिंग यानी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो हमारे प्रोडक्ट के हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एक ऐसा मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करते हैं जो अलाइन करेगा हमारी कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब जो ये स्टेज है ना ये बहुत क्रूशियल है एक ब्लूप्रिंट को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करने के लिए और एक न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक नई मार्केट में। जो ये चीज़ है जो ये स्टेज है ये डायरेक्शन सेट करती है सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी
प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद होंगी, लाइक मार्केट टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होप सो आपको ये अच्छे से स्टेप समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको मेरे से दोबारा से समझ सकते हो। आप चाहे तो YouTube के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, चाहे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं उस कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली अच्छे से आपको दोबारा से समझाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो सिलेबस की फर्स्ट लाइन है वो पूरी कंप्लीट होती है CSR तक। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस बताया था, वहाँ तक हमारी लाइन पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन आती है वो आता है स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके ड्राइवर्स क्या है और क्या डिफरेंट मोड्स हैं एंट्री के इंटरनेशनल बिजनेस में। आज हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन एंड इस ड्राइवर से पहले पहले ही स्टडी करेंगे, रेस्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। सबसे पहले आता है स्कोप। देखो जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है इसमें कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स आती हैं बिटवीन एंटिटीज जो कि दो डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है। यानी अगर हमारी एक एंटिटी इंडिया में है, दो दूसरी है US में, और उनमें जो आपस में कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं यानी वो इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप है। अब जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होंगे डैट विल बी रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, इसमें क्या आएगी, इसमें गुड्स का एक्सपोर्ट एक कंट्रीज में, एक्सपोर्ट एक कंट्री से और इम्पोर्ट दूसरी कंट्री में, यानी इन शॉर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों आ जाएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स क्या है, हमारी ग्लोबल मार्केटिंग आ गई, हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये सब कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप के अंदर आता है। देखो अब यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर मेंशन हुआ है यानी उसका जिक्र हुआ है तो उसमें है ना एक पेपर में क्वेश्चन आया था उसको, यानी बड़ी एक बार नहीं बहुत बार आया। अब हम ना नेक्स्ट कुछ स्टेप्स को स्टडी करेंगे जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में और कस्टम क्लियरेंस में फॉलो किए जाते हैं अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। देखो मतलब सिंपल कहना क्या चाहते हैं, अगर हम इंडिया से कोई चीज़ फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू शिप्स, उसका क्या पोर्ट प्रोसीजर है, क्या हमें कस्टम क्लियरेंसेस हैं, उसके हम स्टेप्स को आइडेंटिफाई या स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले जो आपका CF&F एजेंट होता है वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा आपके एक्सपोर्टर, यानी आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा, वो डिलीवरी जो कार्गो के उसको ले लेगा और स्टोर कर लेगा कार्गो को वेयर हाउस में जब तक शिपमेंट नहीं होती। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, कार्गो को ब्रॉड किया जाता है पोर्ट शेड में लोड करने के लिए। सबसे पहले डिलीवरी ले ली कार्गो में, सेकेंड स्टेप में कार्गो लाया जाएगा पोर्ट शेड में उसको लोड करने के लिए। थर्ड स्टेप में जो आपका मास्टर ऑफ वेसल है वो एक मेट रिसिप्ट को इशू करेगा, इशू किसको करेगा, शेड सुपरिटेंडेंट जो आपके पोर्ट का होगा। फोर्थ स्टेप में जो आपका C&F एजेंट है वो जो आपको पिछले स्टेप में मेट रिसिप्ट इशू हुई है उसको प्रेजेंट करेगा शिपिंग कंपनी को। लास्ट स्टेप में जो शिपिंग कंपनी है वो बिल ऑफ लेडिंग को इशू कर देगी, जो आपका CFN एजेंट है वो डिस्पैच कर देगा बिल ऑफ लेडिंग और जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इंपोर्टर को। ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट डील। वो था पोर्ट प्रोसीजर और कस्टम क्लियरेंस जो पोर्ट पे फॉलो किया जाता है इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है वो स्टेप्स हैं जो प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट डील करने में जो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और नेगोशिएट किया जाता है इंपोर्टर। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी कोई ना कोई कंट्री में कोई ना कोई बंदा इंपोर्ट करेगा, हमें सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। ये सबसे इनिशियल स्टेप है जहाँ पे एक्सपोर्टर जो आपका आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल इंपोर्टर्स को और उनके साथ नेगोशिएशंस में इंडल्ज होता है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट डील। सेकेंड स्टेप क्या आता है, जब आपने अपना पोटेंशियल इंपोर्टर को आइडेंटिफाई कर लिया आप अपनी एक्सपोर्ट डील को कन्फर्म करोगे। अगर वंस द नेगोशिएशंस आर सक्सेसफुल द एक्सपोर्टर कन्फर्म्स द एक्सपोर्ट डील विद इंपोर्टर फाइनलाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। इस स्टेप में आपको इंपोर्टर तो आपको पता है, आपकी जब नेगोशिएशंस पूरी सक्सेसफुल होगी तो आप बिल्कुल अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटल डाउन कर लोगे, उनके और फाइनलाइज कर लोगे, उसके बाद आप एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को रिसीव करोगे। आपकी एक्सपोर्ट डील कंफर्म होने के बाद आप एक्सपोर्टर जो है वो रिसीव करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर को। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा कौन, इंपोर्टर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा, वो स्पेसिफाई करेगा प्रोडक्ट की डिटेल्स को, उनकी क्वांटिटी को और क्या डिलीवरी टर्म्स उसे चाहिए। इस स्टेप के बाद आप एग्जामिन करोगे थॉरली और आस्क
यू कैन आस्क फॉर एनी अमेंडमेंट। जो आपका एक्सपोर्टर है वो थॉरली एग्जामिन करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर जो उसे मिला है पिछले स्टेप में, और उसको चेक करेगा कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है या कोई उसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर तो कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को कहेगा कि ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो अमेंडमेंट टू इंश्योर दैट ऑर्डर अलाइंस विद द एग्रीटर्म, वो अमेंडमेंट हो जाएगी और वो बिल्कुल ऑर्डर के साथ बिल्कुल अलाइन करनी चाहिए ऑर्डर के साथ। लास्ट में क्या होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव की जाएगी। देखो अब जब वंस योर एक्सपोर्ट ऑर्डर इज एग्जामिन एंड एनी नेसेसरी अमेंडमेंट्स आर मेड, अगर जब आपका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो अच्छे से एग्जामिन कर लिया और अगर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको भी कर लिया, तो जो आपका इंपोर्टर है वो आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। अब जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है ये ना सर्व करती है एज अ पेमेंट ऑफ गारंटी फ्रॉम द इंपोर्टर्स बैंक टू द एक्सपोर्टर, यानी जो इंपोर्टर है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू उसका बैंक आपको ये गारंटी देता है कि आप प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर दो, डैम श्योर है 100% आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। सो ये अगर हम कब जब भी इंडिया से कोई एक्सपोर्ट डील करते हैं उसमें ये स्टेप्स हर एक्सपोर्टर इंडिया से फॉलो करता ही करता है। नेक्स्ट हमारा एक और प्रोसीजर आता है, वो है जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एक्सपोर्ट क्रेडिट को डिसबर्स करने में। देखो सबसे पहले तो जो आपका एक्सपोर्टर है वो आपका जो उसने जो एक्सपोर्टर ने जो एक्सपोर्ट किया उसके एविडेंस को वो सबमिट करता है। उसके बाद जो आपका बैंक है वो कैलकुलेट करता है अमाउंट को ऑफ पैकिंग क्रेडिट टू बी ग्रांटेड, यानी जो अमाउंट पैकिंग क्रेडिट का ग्रांट करना है बैंक ने, बैंक उसकी कैलकुलेशन करेगा सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो बैंक है वो रिलीज कर देगा फंड्स बाय डेबिटिंग द पैकिंग क्रेडिट अमाउंट एंड क्रेडिटिंग द एक्सपोर्टर्स अकाउंट, यानी सेकेंड स्टेप में बैंक ने अमाउंट कैलकुलेट किया पैकिंग क्रेडिट का, थर्ड स्टेप में बैंक उस फंड्स को रिलीज कर देगा एक्सपोर्ट यानी रिलीज कर देगा एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और जो आपका पैकिंग क्रेडिट अमाउंट है यानी जो आपका इंपोर्टर का है उसमें से डेबिट हो जाएंगे। अब जो एक्सपोर्टर है वो उसको रिक्वायरमेंट होती है गुड्स को सेंड करने के लिए थ्रू अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी। जब उसके पास एक्सपोर्टर के पास पैसा आ गया तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी ट्रांसपोर्ट या फॉरवर्डिंग एजेंसीज को फॉलो करना उसको ही फॉलो करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और लास्ट में जो एक्सपोर्टर है उसको रिक्वायरमेंट है कि वो एक एडिक्वेट इंश्योरेंस लेगा ही लेगा गुड्स के। ओके तो ये था, तो यहाँ तक हमने स्कोप भी इंटरनेशनल बिजनेस का पढ़ लिया और कुछ तीन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स थे जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। चाहे वो पूरे प्रोसीजर को आपको कह दें कि आप इसको सीक्वेंस में करो, चाहे बीच में एक स्टेप्स का डिटेल पूछ ले, पेपर में इस प्रोसीजर के अलावा इसमें से कुछ भी यानी इसमें यानी जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करा कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके अब हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। देखो जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये ना बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है, जैसे सबसे पहले तो हमें न्यू मार्केट्स का एक्सेस मिलता है, हम अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाती है, हमें रिसोर्स की एक्विजन होती है, नॉलेज ट्रांसफर होता है, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है जो हमारी वो इन्हेंस होती है, जितने हम कॉम्पिटिटिव होंगे उतने अच्छे प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर पाएंगे। इवन ये कंपनीज को अलाउ करता है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए, वो अपने कस्टमर बेस को इन्हेंस कर पाए एक्सपेंड कर पाए, इवन कंपनीज को हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में के लिए इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये तो थी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ और फ्री ट्रेड जोन, दो सेम कॉन्सेप्ट्स हैं या डिफरेंट? देखो ये इंडीड दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है EPZ वो प्रमोट करता है यूनिट्स को प्राइमरली जो एक्सपोर्ट्स के लिए डिवोटेड हैं। ओके और जो गुड्स एक्सपोर्टेड बाय यूनिट्स इन एन EPZ आर एक्सपेक्टेड टू हैड अंडरगॉन सम वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग। देखो जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो है ना बेसिकली ये यूनिट्स को प्राइमरली जो एक्सपोर्ट्स के लिए डिवोटेड है उनको प्रमोट करता है। अब जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं जो यूनिट्स EPZ में है वो डेफिनेटली अंडरगोन किए होंगे कुछ ना कुछ वैल्यू उनमें ऐड की गई होगी बाय मैन्युफैक्चरिंग। ओके जो आपकी डिस्टिंक्शन है दिस डिस्टिंक्शन हाईलाइट्स दैट EPZ फोकस ऑन एडिंग वैल्यू थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस व्हाइल गुड्स इन FDZ मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग। सिंपल इनमें डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल इनमें बेसिक सा डिफरेंस है, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो
वैल्यू ऐड करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में, और जो आपकी फ्री ट्रेड जोन है उसमें बेसिक सिंपली आप गुड्स को री एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी का। देखो, अब जो ये मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट पेपर में हर बार आए हैं, इसलिए हम इन टॉपिक्स को साथ के साथ कवर कर पाए ताकि आपको उनमें इंटरकनेक्शन या रिलेशन पता चल पाए। देखो, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी थी इसे रेमंड वर्नर ने डेवलप किया था, जिसका मेन फोकस था एक्सप्लेन करने में कि इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स और प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल स्टेजेस, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जो उनके इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स हैं प्रोडक्ट के, जो उनके लाइफ साइकिल स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं, उसको इस थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आपको बस इतना ही इस थ्योरी का, यानी आपको बस नाम पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी, पेपर में बस इतना ही पूछा जाता है। सो ये थ्योरी दी थी रेमंड वर्नर ने और उसका क्या फोकस था। नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है EPRG फ्रेमवर्क। देखो, जो EPRG फ्रेमवर्क था ये इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर था, इसका मतलब ये था इट रेफर्स टू द डिफरेंट ओरिएंटेशंस और अप्रोचेस दैट कंपनीज कैन अडॉप्ट व्हेन ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। जो ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क का ये कहना था, देखो अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करती है तो वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस और अप्रोचेस को अडॉप्ट कर सकती है। जो EPRG है, इसमें जो ई है उसका स्टैंड फॉर एथ्नोसेंट्रिक, जो पी है वो होता है पॉलीसेंट्रिक, जो आर है वो होता है रीजियोसेंट्रिक, और जो जी है वो होता है जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इनको लाइन वाइज स्टडी करते हैं, सबसे पहले आती है एथ्नोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। दिस रेफर्स टू एन अप्रोच वेयर कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स आर कंसीडर्ड सुपीरियर एंड अप्लाइड इन इंटरनेशनल मार्केट। एथ्नोसेंट्रिक अप्रोच का क्या कहना था, इस ओरिएंटेशन का क्या कहना था, ये अप्रोच ये कहते कि जो कंपनी है ना, जो उसके डोमेस्टिक मार्केट प्रैक्टिसेस हैं या जो उनकी बिलीव्स हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं एज कंपैरेटिव टू, या अगर हम उनको इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई करें। जो कंपनी है वो अब्यूज इट्स होम कंट्री एज अ सेंटर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड ऑफन रिलाइज ऑन एक्सपैट्रिएट्स फ्रॉम होम कंट्री टू मैनेज फॉरेन ऑपरेशन। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आपकी कंपनियां वो ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी होम कंट्री पे रिलाई करेगी, और जो उसका सेंटर होगा ना ऑपरेशन का, जो उसका बिजनेस कंडक्ट करने का मेन सेंटर है वो उसकी होम कंट्री में ही होगा, वो ज़्यादा रिलाई करेगी एक्सपेक्ट्रिएट करने के लिए होम कंट्री टू मैनेज फॉरन ऑपरेशन। यानी वो सिंपल कहना क्या चाहते हैं, जो इसमें इस अप्रोच या इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं वो अपनी होम कंट्री से ही ऑपरेट करते हैं अपने सारे फॉरन के बिजनेस ऑपरेशंस को। नेक्स्ट जो इसमें आते हैं वो आती है पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इस अप्रोच में जो कंपनीज हैं वो अडेप्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को और ऑपरेशन को जो फिट करेंगे लोकल प्रेफरेंसेस एंड कंडीशंस ऑफ ईच मार्केट। यानी सिंपल ये अप्रोच का क्या कहना है कि कंपनी वही प्रोडक्ट या वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी या ऑपरेशन को अडेप्ट करेगी जो वो पर्टिकुलर मार्केट की लोकल प्रेफरेंस को फिट करेगा। जो यानी मान लो जैसी मार्केट, जैसी उसकी लोकल कंडीशंस है या जैसी उसकी प्रेफरेंस है, वैसी ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी या ऑपरेशंस को यूज़ किया जाएगा। इसका मेन स्ट्रेटजीज का, यानी इस मेन ओरिएंटेशन का मेन फोकस है डिसेंट्रलाइजेशन पे, विद लोकल मैनेजर्स मेकिंग की डिसीजन एंड टेलरिंग द कंपनीज ऑफरिंग टू सूट लोकल मार्केट। यानी ये ओरिएंटेशन ये कहते हैं कि आप अपने काम को डिसेंट्रलाइज करो, आप लोकल मैनेजर्स को अपॉइंट करो, क्योंकि लोकल बंदों को ज़्यादा नॉलेज होती है, वो आपके कंपनी के अच्छे तरीके से लोकल लेवल पे फैसले ले पाएंगे। आप अपनी ऑफरिंग्स को सूट करो, उनको टेलर करो ताकि लोकल मार्केट्स को सूट कर पाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। देखो, जो ये ओरिएंटेशन है इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग मार्केट्स बेस्ड ऑन रीजनल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कंपनीज अडॉप्ट स्ट्रेटजी दैट आर टेलर टू स्पेसिफिक रीजन रैदर देन इंडिविजुअल कंट्री। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ग्रुपिंग कर दी जाती है मार्केट्स की रीजनल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे। यानी आप अपनी मार्केट की ग्रुपिंग कर रहे हो, अब जो ग्रुपिंग का बेस है वो आपकी रीजनल सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, डिसिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं। जो कंपनीज हैं वो ऐसी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करेंगी जिनको टेलर किया जा सकता है टू स्पेसिफिक रीजन रेदर देन इंडिविजुअल कंट्री। हम इंडिविजुअल कंट्रीज को छोड़ के हम अपनी स्ट्रेटजीज को टेलर करेंगे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रीजन।
बेसिकली जो ये ओरिएंटेशन है ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो रीजन होते हैं ना वो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंसेस को शेयर करते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं आप जो अपने ऑपरेशंस हैं उनको एफिशिएंटली कंडक्ट कर सको, आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनको अच्छे से टारगेट कर पाओ। लास्ट जो ओरिएंटेशन आती है वो आती है जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, यानी हमारे ईपीआरवी फ्रेमवर्क की लास्ट आ गई जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अब जो ये अप्रोच है ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेती है, इसका क्या कहना है, दिस कंसीडरिंग द एंटायर वर्ल्ड एज अ पोटेंशियल मार्केट, यानी ये अप्रोच का क्या कहना है, ये सारे के सारे वर्ल्ड को एक ही मार्केट कंसीडर करती है। जो कंपनीज जिनके पास जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन है वो ट्राई करती है इंटीग्रेट करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, वो उन एक अपना ग्लोबल माइंडसेट यूज करते हैं, यानी उनके दिमाग में ये है कोई मार्केट डिफरेंट नहीं है, उनके लिए सारी मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है। सो जो इसका मेन फोकस है वो है लिवरेज करने में जो उनके बेस्ट रिसोर्सेज एंड टैलेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड स्ट्राइव फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच विद लोकल अडैप्टेशन। सिंपल, जितनी हमने पिछली तीन अलग अप्रोचेस के उन तीनों को इकट्ठा अप्लाई करो। लोकल, आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट रिसोर्सेज को लिवरेज करो, आप अपना ऐसा टैलेंट चाहे लोकल लेवल पे सर्च करो जो एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच को फॉलो करो जो आपको हेल्प करे कि आप लोकली हर चीज़ को अडेप्ट कर पाओ। होप सो आपको ईपीआरजी फ्रेमवर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के सेशन का अब हम लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कंट्री रिस्क रेटिंग्स इन इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क। यानी देखो जो ये है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वाइडली यूज्ड कंट्री रिस्क रेटिंग्स इन इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क आर गिवन बाय। जो आपकी कंट्री रिस्क रेटिंग्स है इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क में, वो उनको किन्होंने दिया था, उनको हम किस तरीके से कर सकते हैं, उनमें से सबसे पहले आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट रिस्क इंटेलिजेंस यानी BERT इंडेक्स। अब जो आपका BERT इंडेक्स है ये आपको प्रोवाइड करेगा असेसमेंट और रेटिंग्स जो आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट की एंड कंट्री रिस्क फैक्टर्स की या वेरियस कंट्रीज की। बेसिकली यानी BERT के अकॉर्डिंग हमें असेसमेंट्स मिलेंगी, हमें रेटिंग्स मिलेंगी। अब ये किसकी होंगी, ये होंगी बिजनेस की इन्वायरमेंट की और कंट्री के रिस्क फैक्टर्स के जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं, ये इवेल्यूएट करेगा फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कैसे होंगे, ये लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, लीगल फ्रेमवर्क होगा या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रेटिंग्स आती हैं, जो आपकी कंट्री रिस्क रेटिंग्स आते हैं, वो आते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इंडिसेस यानी EIU। देखो जो आपकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स, या ये आपको वेरियस डिफरेंट इंडिसेस और रेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके कंट्री रिस्क के साथ रिलेटेड होंगे। इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें आ जाएंगे कंट्री रिस्क सर्विस CRS एंड कंट्री रिस्क रेटिंग्स। अब जो ये रेटिंग्स है ये असेस करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ऑपरेशनल रिस्क जो आपको डिफरेंट कंट्रीज में फेस करना पड़ सकता है। लास्ट में आता है हमारे पास PRS ग्रुप्स इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड। अब देखो जो इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड यानी ICRG या जो PRS ग्रुप ने दिया था, इसे वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके यूज किया जाता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिस्क जो डिफरेंट कंट्रीज में उसको एक्सेस करने में के लिए। जो हमारा ICRG का फ्रेमवर्क है ये प्रोवाइड करता है हमें रेटिंग्स और एनालिसिस डिफरेंट फैक्टर्स के, लाइक जैसे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस क्या होगी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होंगे और सोशल कंडीशंस क्या होंगे। सो ये तो थी कुछ कंट्री रिस्क रेटिंग जो हम इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क में यूज़ करते हैं। एक केस में हमने BERT किया, एक हमने EIU की, एक हमने किया ICRC। सो होप सो आपको अच्छे से यहाँ तक आज का सेशन समझ आ गया होगा। सो अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, अगेन आई एम टेलिंग डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट है, डेली स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चलेंगी आपका पूरा डिटेल में। हम कॉमर्स जो बच्चे UGC नेट के Paper 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंटायर सिलेबस हम यूनिट 1 से लेकर 10 तक कवर करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप 100% टाइल के साथ उससे भी ज़्यादा फर्स्ट अटैम्प्ट में आप UGC नेट और अपना JRF को क्लियर कर पाओ। सो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, इसकी आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन एंड अ न्यू क्लास। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।